कैसा लग रहा है? बहुत ठंड लग रही है। अस्सलाम दोस्तों, एक नई वीडियो में जी अपने चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम सब खैरियत से हैं, दुआ करते हैं अल्लाह पाक सबको जी अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे और खुशबाश रखे। ये जी 3 दिन का हमारा अमरीका ट्रिप है, जो बर्फबारी को देखने हम आए हैं लाइव 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच में, और मुकम्मल जहाँ तक हम घूम फिर के आए हैं नथिया गली तक, एवरीथिंग आपके साथ जी शेयर करेंगे मुकम्मल। और मज़ीद जो इस वीडियो में हमने लाइव कुछ एक्सीडेंट्स देखे और लाइव कुछ इंसिडेंट्स देखे, क्योंकि ऊपर से जो बर्फ़ है जो गिरती है ना बिल्डिंग्स के ऊपर से, वो कुछ लोगों के ऊपर गिरी, कुछ गाड़ियों के ऊपर गिरी, एक हमारी गाड़ी की जो है बैक स्क्रीन टूटी, और उसके अलावा एक दो दोस्त जो है मैंने देखा जख्मी हुए, और 2 गाड़ियां तो टोटली जो है वो डैमेज हो गई हैं। आगे अगर आप वीडियो देखेंगे तो उम्मीद है कि आपको जो है ना सारी जो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। तो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया। तो आगे जी सफ़र स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है। 1 घंटे की जो है ना ट्रैफिक जैम के बाद हम माशाल्लाह जी पहुंचने वाले हैं, बल्कि कहले पहुंच चुके हैं जीपीओ चौक में। तो रश की सूरत हाल आपके सामने है जी। दिन के तकरीबन 11:28 हो चुके हैं मेरे पास, और तारीख है आज 3 फरवरी 2024। हम जीपीओ चौक में पहुंच चुके हैं और लाइव हैवी स्नोफॉल जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, अभी हुई है स्टार्ट। तो आपके सामने जी सीन देख सकते हैं आप। तो अभी रास्ता ट्रैफिक का, इधर बच्चे थे नीचे आ रहे थे वो, जी जी आराम से। मरी को जी हम एक बार अलविदा करके जा रहे थे, लेकिन इस लाइव स्नोफॉल ने हमें जाने से रोक लिया, और हमने थोड़ा सा आगे जो है गाड़ी लगाई साइड पर और वापस आ गया जीपीओ चौक में, क्योंकि लाइव बर्फबारी देखने का नज़ारा जो मेरे ख्याल में जीपीओ चौक में होता है और जो रौनक मेले में होता है, वो शायद हमें अकेले में ना आता। तो इसलिए हम जो है जीपीओ चौक में पहुंच गए वापस, और बर्फ़बारी लाइव माशाल्लाह जी कंटिन्यूसली जारी हो गई थी, लेकिन उसी के साथ साथ जो है हमारे साथ हादसा हुआ। ये गाड़ी थी मेरे साथ दूसरी, ऊपर बिल्डिंग से जो है बर्फ़ गिरी है और पिछले वाली स्क्रीन टूट गई है, लेकिन चले अल्लाह का शुक्र है कि बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। ये वो बिल्डिंग है जहाँ से बर्फ़ नीचे गिरी है, और नीचे 7 आदमी भी पास खड़े होते हैं, ज़ाहिर है लोग चल फिर रहे होते हैं। तो ये एक लड़का भी जो है उसी ना बर्फ़ की जद में आके ज़ख्मी हुआ है, और उसके बाद वो बेचारे से चला नहीं जा रहा था, तो उसके दोस्त जो है अपनी मदद आपके तहत उसको जो है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। बाकी ये 2 गाड़ियाँ थी, एक एवरी डिब्बा था और एक कार थी पुराने मॉडल की, ये भी उसी बर्फ़ की जद में आए हैं। ऊपर से जो बर्फ़ जब बर्फ़ गिरी है तो ये गाड़ियों की छतें और इनकी स्क्रीनें वगैरह आप देख सकते हैं सब डैमेज हो गई हैं, और इनके अंदर जो लोग थे वो भी काफ़ी ज़ख्मी हुए थे। इसलिए आप अपनी गाड़ियों का थोड़ा ख्याल रखें और इन हादसों से बचें। चलें जी आगे सफ़र स्टार्ट करते हैं। लो जी आखिरकार उस गाड़ी को जो है स्क्रीन को रिपेयरिंग करने के बाद हम दोबारा से जो है रोड के ऊपर रवा दवा होने वाले हैं। अभी हम जी नीचे उतर रहे हैं जीपीओ चौक से और जा रहे हैं नीचे सनी बैंक का आ गया, गोहड़ा शरीफ जी का गली, रावलपिंडी बाड़ियाँ, यहाँ से सारे ट्रैक्स निकल रहे हैं। एक के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है अभी, ये जी सामने आ गया जी चौक, जहाँ से हम लेफ्ट अगर हो जाएंगे तो एबटाबाद नथिया गली यूबिया की तरफ जाएंगे, राइट होंगे तो जीका गली और वापसी ऊपर से घूम के हम फिर जीपीओ चौक जा सकते हैं, और अगर नीचे लेफ्ट हो जाएंगे सबसे जो लेफ्ट होगा यूटर्न टाइप, तो वहाँ से हम पिंडी भी पहुँच जाएंगे मरी वाले पुराने रोड से। अगर मोटरवे से जाना है तो हमें राइट होना पड़ेगा जीका गली, और जीका गली से फिर हमें जाना होगा। चलिए जी अभी हमारा प्लान है कुछ नथिया गली वाली साइड का, तो ये ले जी इस तरफ गाड़ी करते हैं नथिया गली वाली साइड। बर्फ साफ करने वाली न्यू 0 मीटर मशीनरी आ गई है, स्क्रैपर तो मिल ही रहे हैं खैर, और ऊपर से माशाल्लाह जी 1122 के जो जवान हैं, और उसके अलावा पूरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त है यहाँ पे इस साल। तो चलें जी चलते हैं अभी आगे और खूबसूरत प्लेस देख के कहीं लगाते हैं फिर ब्रेक।
और सामने बोर्ड आ गया एबटाबाद है 65, नथिया गली 32 और बाड़ियाँ है 9 किलोमीटर। तो चलें जी दोस्तों, मरी की करवाते हैं आपको सैर लाइव स्नोफॉल में। काली मिट्टी का एरिया क्रॉस कर रहे हैं और आगे जो दरख्तों का सीन है वो थोड़ा खूबसूरत बनता जा रहा है, तो मैंने कहा ये सीन ले लूं। पता नहीं है बर्फबारी मरेगी कब चली जाए और कब आ जाए। एक बार फिर उसी जगह पे आ चुके हैं, मेरे ख्याल में सवार गली इसको कहते हैं, जहाँ पे हमने आज से 2 साल पहले कैंपिंग की थी अपनी ब्लू सरफ पे। ये भी सरफ है लेकिन ये जो है स्किन कलर की है, लेकिन वो मुझे अक्सर कमेंट्स आते थे ये देख लें, ये साथ में रेस्ट एरिया था। वो सामने कैमरे वाले टावर्स लगे हैं और ये वाली लेफ्ट साइड पे होंडा से आगे जो जगह खुली है अभी, यहाँ पे खैर मशीन ने स्नो फेंक दी, यहाँ पे हमने कैंपिंग की थी। तो अक्सर ही मुझे कमेंट्स आते थे दोस्तों के, फैमिलीज के वहाँ वाशरूम कहाँ था, तो वो भी पब्लिक वाशरूम है, वो साथ में रेस्ट एरिया है, तो उसका कोई इशू नहीं था। ये गाड़ियाँ बता रही हैं जो बाड़ियाँ टूल प्लाजा है, इससे आगे जो है क्योंकि कोस्टरें भी खड़ी हैं और कारें भी बहुत ज़्यादा हमें मिल रही हैं, कि आगे जो रास्ता जो है वो ब्लॉक है या आइस है रोड के ऊपर, जिस वजह से गाड़ियाँ नहीं जा रही और लोग सब यहाँ पे फुल खचा खच जो है रश है, गहमा गहमी है। और ये चीज़ें मुझे लग रहा है कि आगे रोड पे कोहरा है जो कि ये गाड़ियाँ नहीं चढ़ रही, जिस वजह से इन लोगों ने यहीं पे जो एंजॉय करने का जो है मूड बनाया हुआ है। तो अभी थोड़ा सा आगे जाके हम भी देखते हैं, क्योंकि हमारे साथ भी एक दूसरी गाड़ी जो है वो कार है, अभी देखते हैं ना हुआ तो फिर उसको बांध लेंगे हम, आखिरी हाल ये तो है, और लेके जाएंगे साथ जहाँ तक हम आज हम जाएंगे वो भी जाएंगे। चलो जी चल रहे हैं, अभी तक तो ठीक है, पीछे वाली गाड़ी भी ठीक आ रही है अभी तक। कोहरा हुआ था पंगा लेंगे, अभी कोहरा है, हाँ कोहरा है अभी, यहाँ पे कोहरा है। ये गाड़ियाँ सारी जो पीछे खड़ी थी बेटा इसीलिए रुकी हुई, पीछे वाली गाड़ी अगर वक्फा पड़ना शुरू हो गया तो समझ लेना वो खुलूगी, स्लिप हो रही है, आ रही है ना अभी तो आ रही है। तो आगे जी चैन्स वाले खड़े हैं जगह जगह और कह रहे हैं चैन लगा लो, मुझे इस चीज से भी अंदाजा हो रहा है कि आगे ये चढ़ाई भी सबसे सख्त है, तो भी देखते हैं मेरे ख्याल में कार हमारी क्या करती है। चैन वगैरह लगा रहे हैं लोग और चैनों वालों का फुल रश है उनके साथ साथ, और हमारी गाड़ी में जो है बच्चों का शोर होने की वजह से मुझे लगता है कि मुझे वीडियो बंद करनी पड़ेगी। अब उनकी आवाज आप सुन सकते हैं, यही आगे गाड़ी वालों की आवाज है, समझ ले कि उनकी भी चीखें ऐसे निकल रही हैं जैसे कि हमारे बच्चों की हैं। बस हम जरा थोड़ा हैप्पी हैं क्योंकि फोर नहीं लगाया हमने भी। ये देखे लोग चैन बांध रहे हैं और रास्ता ब्लॉक है, सिर्फ स्लिपिंग की वजह से टायर स्लिप हो रहे होंगे। अब मैं पीछे जाता हूँ और पीछे वाली गाड़ी की हालत देख आता हूँ क्या सूरत हाल है। इतने लंबे कतारें लग चुकी हैं और जो है टायर स्लिप हो रहे हैं गाड़ियों को, और अक्सर गाड़ियों ने जो चैन बांध लिए यहाँ पे, ये जगह ऐसी है। और ये ले जी, ये हमारी गाड़ी दूसरी स्लिप करती हुई जा रही है, यही हालत होती है यहाँ पे। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओ हो
ये जी मरी के खूबसूरत जो है सीन हम देख रहे हैं इस वक्त, और पहुंचने वाले हैं हम बंदर पॉइंट पे, जो अयूबिया से थोड़ा सा पीछे आता है, और जहाँ पे फेमस जो है ना जी बंदर पॉइंट ही कह सकते हैं उसको हम, सबसे ज़्यादा वहीं पे बंदर होते हैं और छली वाले वहाँ पे बैठे हैं। आई लव गलियात का बोर्ड आ गया है और बंदर पॉइंट भी आ गया है, वो देखो बंदर ही बंदर है आगे, वो उन्होंने भी गाड़ी खड़ी कर ली है, तो अभी चलते हैं आगे। और अच्छा चलाना, ये बंदरों के पास लगाते हैं गाड़ी और धुंध में एहतियात करें, पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी। चलो ये साइड से जो मंकीज नीचे ना आ जाना कोई, चलो 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 चलो, चीज़ पीछे पड़ जा रहा है इन्होंने, अपनी माँ को शीशा बंद कर ले, शीशे देते ना भैया, हाँ शीशे बंद कर लो सारे, ये शीशे बंद कर ले अपने, ये भी नहीं ये मजबूत है बेटा हमारे। और साथ में यहाँ बंदर यहाँ के बहुत होशियार हैं, बच के रहना जी, गाड़ियों के अंदर तक घुस रहे थे, हमारा सामान उठाने आ रहे थे बहुत फास्ट, बहुत मुश्किल बचा इनसे। चुके हैं अयूबिया के जो पॉइंट है जहाँ से रोड निकल रहा है, कह सकते हैं लिंक रोड जहाँ पे अयूबिया का है, उस पॉइंट पे हैं इस वक्त हम, सीधा जाएंगे तो नथिया गली है, राइट जाएंगे तो अयूबिया पहुँच जाएंगे, तो अभी अयूबिया चलें नथिया गली, वो बाद में देखते हैं, हाँ पहले हम अयूबिया की तरफ जाएंगे। ओके, और यहाँ से लिखा हुआ है चेरी कोट लॉगज 5 किलोमीटर, और आगे जो मशीन आ रही है उसको भी रास्ता देना है। चलो भैया रास्ता दे दिया हमने आपको, एड्डा वड्डा मुँह थोड़ा परम कर लिया ड्रा चला। लो जी दोस्तों, अयूबिया का सफ़र जारी है, बर्फबारी हल्की हल्की फिर दोबारा से स्टार्ट हो रही है, और एक ये कि -2 टेम्परेचर आपने देख लिया अभी अयूबिया चेयर लिफ्ट के पास, तो दिखाते हैं आपको वहां का नज़ारा। तो यहां पे हमने अभी ड्रोन भी उड़ाया था, अगर आपने ड्रोन शॉट देखे हैं आपको कैसे लगे हैं, या उसमें कोई और मज़ीद कोई आप ऐड करना चाहते हैं कि सीन यार इस तरह ले लिया करो, तो आप हमें मशवरा भी दे सकते हैं, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है उससे अच्छा, या आपके लिए जिस तरह का आप शॉट चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि हमने तो बटन ही दबाने होते हैं, आगे चुके होते हैं, ड्रोन उड़ रहा होता है, तो भाई किसी के रिक्वेस्ट पूरी हो जाए तो हम हाजिर हैं। तो चलें अयूबिया मुलाकात होती है, आगे चलते हैं, पहले भूख लगी है कुछ खाना खाएँगे, उसके बाद लिफ्ट का पता करते हैं, अगर चल रही हुई तो फिर लिफ्ट भी लेंगे इंशाल्लाह, बच्चे साथ हैं तो सब बच्चों को एक जो है ना लिफ्ट का झूला भी देंगे। अयूबिया जो है एंट्री हमारी हो चुकी है, जो पहले होटल रेस्टोरेंट है इनके पास हम पहुँच गए हैं, और अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है, पूछते हैं लिफ्ट वगैरह के लिए अपडेट लेते हैं, और साथ में पहले खाने की मैं अपडेट लेके आऊँ कि कौन सा होटल खुला है और कौन सा हमें खाना खिलाने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है ज़्यादातर जो है ना इस मौसम में होटल बंद भी होते हैं। लो जी अयूबिया में पहुँचे हैं, तो खाने का ऑर्डर दे दिया, रोटियाँ लगवाने आया था तंदूर पर दोस्तों, और लाइव जो स्नोफॉल है उसने थोड़ी सी जो है ना क्या कहते हैं उसको एकदम पकड़ा है। पकड़ा दो रोटी इसको, ओ लेके चला गया वो बेचारा, और आ गया वो मोटा ही बगदा, ध्यान से दरवाजा थोड़ा ही खोलना क्योंकि अंदर ना आ जाए, दरवाजा पकड़ के रखना, पकड़ा दो, पकड़ा दो उसको, वो ले गया, चलो उसको बहुत भूख लगी हुई थी मुझे लगता है।
लो जी यूबिया से हो रही है वापसी और अभी जो है चलते हैं आगे नथिया गली की तरफ, देखते हैं क्या सूरत हाल है। लेकिन ये कि चले स्नोफॉल देखने आए थे, लेकिन सुबह से कभी हल्की कभी तेज कुछ ना कुछ मिल रही है हमें स्नोफॉल, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारे एक फॉलोअर भी मिल गए थे सिंध से थे, तो बहुत शुक्रिया उन भाइयों का जो इतने प्यार से हमारा चैनल देखते हैं। भैया आपकी फोटो तो आप देख रहे हैं, आपकी हमने लगा दी जो खींची थी आपने, तो इनशाला जिंदगी रही तो और भी देखेंगे आप हमारी वीडियो खूबसूरत, इससे खूबसूरत खूबसूरत हम पाकिस्तान के जो इलाके हैं आपके साथ इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। ऐसा ही हाल होता है भैया, या तो चैन लगाएं या स्नो टायर यूज़ करें। पाकिस्तान में हालांकि बहुत ही सस्ते और मुनासिब टायर स्नो मिल जाते हैं जो कि हम लोग नहीं परचेज करते। यूबिया से आ गए हैं, अगर हम सीधा जाएंगे तो पहुँच जाएंगे मरी, तो हमारा प्लान है कि नथिया गली तक चक्कर लगाते हैं क्या सूरत हाल है आगे, डोंगा गली घोड़ा गली, तो वो चक्कर लगा के आते हैं और यहाँ से घुमाते हैं गाड़ी। अब ऐसे जैसे हम नथिया गली के करीब करीब जाते जा रहे हैं जनाब, वैसे वैसे स्नो की जो मकदार है रोड के जो चारों तरफ है वो बढ़ती जा रही है। वाओ बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं जी, नथिया गली की तरफ जा रहे हैं, बहुत खूबसूरत है और बहुत एंजॉय कर रहे हैं मरी के ट्रिप को। तो जी दोस्तों डोंगा गली पहुंच चुके हैं जी, आप मंजर देख रहे हैं जी, डोंगा गली का बाजार है और छोटा सा ये है पॉइंट और ये बहुत मशहूर है। यहाँ से आप पैदल जो है यूबिया जा सकते हैं, 4 किलोमीटर पाइपलाइन का ट्रैक है और यहीं से मेरे ख्याल में वो टनल है जो बहुत पुरानी है, एक उसको विजिट कर सकते हैं और यहीं से मुशकपुरी ट्यूब का रास्ता निकल रहा है जो बिल्कुल सामने जो ब्लू लाइट आप देख रहे हैं, ये डोंगा गली बेटा, ये देखो लिखा आई लव डोंगा गली राइट साइड पर हमारे देख लिया, और होटल मुशकपुरी यहीं से रास्ता जा रहा है मुशकपुरी टॉप को आगे। और अभी शाम हो रही है, 5 बज गए जी पूरे, तो हमारा दिल था कि हम चले जाएं नथिया गली और वहाँ से कुछ चक्कर चक्कर लगा के, तो आपके साथ जो नथिया गली की जो आज की सूरत हाल है, वहाँ पे कितने टूरिस्ट पहुँचे हैं और क्या कंडीशन है वहाँ की स्नो की और रास्ते कैसे हैं वो सारी अपडेट दे दें आपको। ये है जी नथिया गली का रोड और ये हमने गाड़ी लगाई है साइड पे और बहुत ही खूबसूरत एक पिकनिक स्पॉट बना हुआ है, तो यहाँ पे हम रुक के जनाब अभी छोटी सी जो है टी ब्रेक करने लगे हैं। तो बेगम साहब बना रही हैं चाय, तो मैं बना रहा हूँ वीडियो। ये हमारे गाड़ी आगे आगे थी और इसका बम्पर जो है वो लगी है और टूट गया है, ये देखें इस बेचारे की हालत, ओफ 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 बम्पर बेचारे का गया शों करके और वो बम्पर है उसको ये अभी इकट्ठा करके। हमारे पास थोड़ा सा जो एरिया आगे है ये वाला, ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी आइस, इस पर कोहरा जम चुका है और जो भी गाड़ी आ रही है चेन के बगैर वो आगे नहीं जा रही, 3-4 गाड़ियाँ हमारे पास से गुजरी हैं और सभी स्टक हो गई हैं और पहले एक गाड़ी का इस जगह पे एक्सीडेंट भी हो चुका है, जो अभी वो बम्पर वगैरह बेचारे तोड़ के वापस चले गए यहीं से। तो अभी देखते हैं, ये देखें ये ग्रैंडी है, वो करोला 88 है, आगे 90s होंडा सेविक है जो कि सभी गाड़ियां कोरे का शिकार हो रही हैं। अच्छा जोर मार के आ रही थी लेकिन अभी कुछ नहीं हो सकता। तो एक गाड़ी रुकने की वजह से बाकी सब गाड़ियां रुक गई। आपकी गैसकेट, ओह ये बंदा गिर गया, ओह बचत होगी, ये गाड़ी निकल गई है। अभी ये गाड़ी आ रही है, इसकी ब्रेक नहीं लगेगी, जो मर्जी कर ले। ये देखें ये गाड़ी गई, ये गाड़ी गई, ये गाड़ी गई, गई 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 गई, ओफ 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 ओफ, इस बाइक की गाड़ी गाड़ी बचत हो गई है या क्या हुआ है अभी देखते हैं, बाहर निकलेंगे बेचारे। टायर तो बहुत स्पीड से घूम रहे, ओ ये मेहरान आई, ये मेहरान गई, ये मेहरान गई,
ये हैरान गई गई रुक गई रुक गई रुक गई ओ अल्लाह ने रख लिया। लोकल जो गाड़ियाँ चलती हैं इधर उनकी ये कंडीशन यहाँ पे हो गई है, तो आप सोचें जो हम जैसे पंजाब से ड्राइवर आए हैं उनकी क्या हालत होगी। तो आगे से फार्चूनर वाला बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि गाड़ी बिल्कुल जो है ना वो कंट्रोल नहीं हो रही है और ब्रेक से थोड़ा सा भी पाँव उठाता है तो गाड़ी स्लिप हो गई इस तरफ आ रही है। अभी ये देखते हैं ये पिनोबाजी आई है, ये जा रही है, ये जापानी टेक्नोलॉजी जो है ना क्या बात है इनकी। बस 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 ऐसे रह गया जापान, लो जी वो उतर गया इधर आ गया पंजाबी जापान रह गया, तो आ गया पंजाबी जगाड़ लगाओ दिक्का वो खुद गिरते हैं। लो जी आखिरकार हम तकरीबन नथिया गली पहुंच गए हैं, जो पीछे वो स्लिपरी वाली जगह थी जहाँ गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हो रहे थे वो तकरीबन यहाँ से मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर होगी राउंड पाउंड, तो वहाँ से बस अभी 2-3 मिनट हुए हमें चले हुए, तो हम पहुँच गए सेकंड कप कॉफ़ी और नथिया गली का मेन बाज़ार स्टार्ट हो गया। तंदूर के ऊपर क्या वो चरखा तो खा लेते हैं। हाँ जी हाँ जी याद है मुझे। ये ले दोस्तों नथिया गली तक मरी से जो आज की डेट में ये कह सकते हैं चाहे बर्फबारी हल्की फुल्की चल रही है लेकिन रास्ता माशाल्लाह क्लियर है। पंजाब और केपी के गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर जो है मशीनरी हैवी जो है काम करने के बाद रास्ता खोले रखा है आज की डेट में, तो कल आगे से तो मौसम वैसे मेरे ख्याल में क्लियर है, फिर रास्ते की ब्लॉकेज का तो इशू नहीं बनता, लेकिन ये कि बर्फबारी इतनी ज़्यादा नहीं हुई जिस वजह से रास्ते ब्लॉक हो जाते थे। मशीनरी रोड के ऊपर चल फिर रही थी, सफाई कर रही थी, बहुत मेहरबानी उनकी, उन्होंने चलो रोड्स को क्लियर रखा है और 1122 की टीमें जो है मैंने देखा एक्टिव खड़ी थी, गाड़ियाँ हर जगह। ये नथिया गली का मेन बाज़ार है तो हम गुजर रहे हैं, वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी लगे आपको लेकिन ये कि चले नथिया गली का बाज़ार कैसा है और इसके व्यू कैसे हैं यहाँ पे, क्या कुछ कह सकते हैं क्या नहीं है यहाँ पे, सब कुछ है। तो आप देख सकते हैं देसी भटकड़ाई भी लेफ्ट साइड पे हमारे गुजर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रश है जी, काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हैं भटकड़ाई पे। ताज होटल है, पटाखा रोस्ट है, बारबेक्यू, मोर क्लॉट्स, लटरम पटरम पटरम जो भी है। बाज़ार का जो व्यू करवा के उसके बाद वापस निकलेंगे क्योंकि हमारी जो बुकिंग जो है वो है उधर मरी में, रूम हमारा वहाँ बुक है तो हमें तो वापस हर हाल में पहुँचना है मरी में। ये लें जी ये आ गए, ये भी आ गए। अस्सलाम वालेकुम वासी भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? नहीं अभी कसम से चाय पी है अभी काफी हो जाए। नहीं नहीं थैंक यू, बस कुछ और खाना शाना। तो क्या प्लान है, किधर जा रहे हैं आज? बस ये फैन थे बड़ी बहुत दिन से आए थे। अच्छा अच्छा, मेरे लिए माल्टो का थोड़ा भर के लिए, फिर आपको हाँ नहीं आज और कल 12 बजे तक अपडेट्स है। हाँ बिल्कुल है, इनको इन्जॉय करवाए और नहीं बस थैंक यू जी। लो जी दोबारा से हम जीका गली पहुंच चुके हैं और मशीनरी जो है सारी जो कह सकते हैं स्टैंड बाई खड़ी है और 1122 की गाड़ियां भी खड़ी हैं। और दूसरे नंबर पे ये है कि अभी आज रात को जो स्नोफॉल का चांस है, कल दोपहर तक का चांस है, तो अभी खैर देखते हैं क्या सुरचाल बनती है। चलते हैं जी मार रोड पे जी चौका, चलो गुजरते गुजरते एक सीन जो है इस वक्त का वो आपके साथ शेयर कर दें। ये लें जी आपके सामने है जी आगे जीपीओ चौक से मार रोड का नज़ारा, काफ़ी गहमा गहमी है। आज हमारा मरी में लास्ट डे है और अभी सुबह के तकरीबन 12 बजने वाले हैं या 11 का टाइम, हम नाश्ता करने जा रहे हैं और लाइव आप देख सकते हैं फिर से एक बार स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी है। लो जी एक बार मोटी मोटी फिर से दोबारा से बर्फबारी शुरू हो चुकी है। अभी हम कश्मीर पॉइंट नहीं पहुँचे थे रस्ते में और ये ऐसे है जैसे वो मोटे मोटे कने पड़ रहे होते हैं जी। दोस्तों सफ़र वापसी का जारी है, आज लास्ट डे था हमारा मरी में और हम वापस जी अपने वतन को रवाना हो रहे हैं, घरों को रवाना हो रहे हैं। ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हमें तकरीबन 2 से 2.5 घंटे हो चुके हैं, तो मैं बोर हो रहा था, मैंने कहा क्यों ना उठूं और निकालूं ड्रोन, तो आपको जो है ना एक तो खूबसूरत मरी के व्यूज़ दिखाता हूँ और साथ में अपना जो है ना चेक करता हूँ कि कहाँ तक कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं क्योंकि स्नोफॉल का स्पेल हो चुका है ख़त्म और वीकेंड भी ख़त्म हो गया, तो ये सब लोग जो है वापसी अपने घरों को जा रहे हैं और वापसी वालों का रश है और वापसी पर लाइन लगी हुई है। तो आगे जो मुझे खबर मिली है वो ये भी है कि मरी आने के लिए जो है मोटरवेज ने रास्ता कुछ बंद किया हुआ है कुछ पॉइंट्स पर, जिस वजह से शायद ये गाड़ियां जाने में भी उनको दुश्वारी हो रही है क्योंकि आने वाले फिर डबल ट्रिपल लाइनें कर देते हैं, तो मे बी
कुछ ऐसा इशू है जो भी है, खैर हम तो साथ में जी इंजॉय भी कर रहे हैं और वापसी का सफ़र भी कर रहे हैं, क्योंकि टाइम बहुत है हमारे पास, हमने तो गाड़ी पहुँचना है आज, तो इंशाल्लाह पहुँच तो हम जाएंगे, लेकिन साथ में यहाँ से जाने को दिल तो नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, जितनी छुट्टियाँ थी, जितना शेड्यूल था, प्लान था, वो सारा माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से जो है इंजॉय किया है उसको और कम्प्लीट किया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है दोस्तों, ये आप ज़रूर जो है ना अपनी राय हमें शेयर किया करें, क्योंकि मेरा दिल होता है कि मैं तो टूर्स कर ही रहा हूँ, सारा जो है सैरो तफरी कर ही रहे हैं, हम जो रिकॉर्ड करते हैं वो अपने माइंड से करते रहते हैं। अगर किसी के माइंड में कोई सजेशन हो, कोई मशवरा हो, कोई मीन्स के नया कोई जो है फार्मूला हो कैप्चरिंग का, या कुछ सीन का, या किसी का माइंड हो यार इस तरह के सीन आप कैप्चर किया करें, तो मुझे खुशी होगी। और हम कमेंट पढ़ते सारे हैं, कोशिश करके सबको जवाब भी देते हैं, रिप्लाई भी करते हैं, अगर कभी कोई ना कोई रह जाए तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। तो मज़ीद जो है हमारा सफ़र अभी जारी है वापसी का, तो आगे जो है फिर मरी एक्सप्रेस वे और मोटर वे जो है मरी की, उसके ड्रोन शॉट्स काफ़ी हैं, तो आप इंजॉय करें और सफ़र अभी जारी है, आप देखें ड्रोन शॉट इंजॉय करें और हम करते हैं अपना सफ़र आगे इंजॉय। थैंक यू। लो जी आखिरकार हम माशाल्लाह जी मरी एक्सप्रेस वे पे पहुंच चुके हैं और टाइम हो चुका है पूरे 4 बज गए हैं जी शाम के कह सकते हैं, और मोटरवेज और मेरे ख्याल में ट्रैफिक इस्लामाबाद पुलिस ने रास्ता यहां पे ब्लॉक किया हुआ है, जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको यहीं से ऊपर भेज रहे हैं, मे भी शायद उस तरफ रास्ता आगे कोई प्रॉब्लम है या क्या सूरत हाल है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि ये आप देख सकते हैं आगे ट्रैफिक उन्होंने मुकम्मल तौर पर स्टॉप किया है। Thank you.